साथ मैं हूं अनुजा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पांचवें चरण के मतदान से पहले आज राहुल गांधी की चुनावी अभियान में एंट्री हो गई है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के ग्वालपोखर पहुंच गए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष यहां पर एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी नक्सलवाड़ी में एक चुनावी रैली करेंगे। वहीं आज ममता बनर्जी सीतलकुची फायरिंग में मारे गए परिजनों से मुलाकात की। सीएम ने इस दौरान कहा है कि दोषी चाहे कोई भी हो वो बचेगा नहीं। बात बीजेपी की करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मंगलकोट में रैली शुरू हो गई है। बता दें कि आज 45 सीटों के लिए पांचवें चरण का चुनाव प्रचार अभियान खत्म हो जाएगा। चुनाव आयोग ने बीते दिनों ही 72 घंटे पहले प्रचार खत्म करने का फैसला लिया था। बंगाल इलेक्शन 2021 से जुड़े खेला होबे पर निशाना राहुल ने कहा है कि ममता कहती हैं कि चुनाव के समय खेल होंगे। कैसा खेल? पहले आप ये समझाइए यहाँ की सड़क कौन बनाएगा? खेल खिलवाना है तो सड़क पर खेलेंगे ना, यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी कौन लगवाएगा? खेल तो उसके मैदान में खेलेंगे, वो तो आप देती नहीं, ये तो ड्रामा चल रहा है। राहुल ने कहा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि मोदी सरकार ने नोटबंदी सिर्फ अपने 2-3 लोगों के लिए किया। रैली में राहुल ने कहा है कि जीएसटी से आज तक किसी भी गरीब को फायदा नहीं हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा शुरू हो गई है। जेपी नड्डा ने रैली में कहा है कि बंगाल में बीजेपी की जीत हो रही है। यहां की जनता ने यह तय कर लिया है कि देश बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने सीतलकुची की घटना को लेकर कहा है कि जो लोग सीतलकुची के साथ खड़े हुए हैं वो सभी पराजित हो चुके हैं। घोष ने इस दौरान ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।